और उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की शिकायत लंबे समय से चली आ रही है। मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात दिलाई जाएगी और इसके लिए पशुओं की ईयर टैगिंग की जा रही है जिससे पशुओं की पहचान की जा सके। मंत्री ने एक सवाल पर कहा कि अब मदरसों में नई शिक्षा दी जाएगी, इसको लेकर एक ऐप भी बनाया गया है। तो वहीं सपा के पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्री कब क्या बोल जाए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार पशुओं पर कई प्लान कर रहा है और इससे पहले भी बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे किसानों को लेकर के और कई विपक्षी दल भी इस पे काफी आरोप लगाते रहे हैं। हम जानते हैं कि इस बार क्या प्लान है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मंत्री जी, पशुओं को लेकर के जो आवारा पशु हैं उसको लेकर के जो प्रदेश में आए दिन बवाल होता रहता है, इसके लिए क्या प्लान बनाया है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश की बड़ी समस्या है और ये निराश्रित गौवंश पशुपालकों के द्वारा ही छोड़ा गया है। हमारा प्रयास है कि हम आज से अभियान चल रहा है और ये अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। इस 31 दिसंबर के बाद फिर से हम अभियान के ही माध्यम से निराश्रित गौवंश सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई ना दे। ये जो दिखाई देगा तो फिर उसे हम काजी हाउस भेजेंगे और काजी हाउस भेजकर जिसका पशु है, एयर टैगिंग भी हमने कराई है। एयर टैगिंग से पता लग जाएगा कि किसका पशु है, किसकी गाय है। तो जितना नुकसान उसने किसान के खेत में किया है उस नुकसान की भरपाई भी उसी पशु वाले से करने का काम करेंगे ताकि आगे भविष्य में ऐसी कठिनाई ना आए। मतलब इससे पहले भी जब से सरकार आई है लगातार कुछ न कुछ कोई न कोई जो है व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन कोई समुचित और ठोस व्यवस्था नहीं बन पा रही। इससे पहले भी कई बार बनाएगी किसानों का बार बार जो है वो फसल नष्ट होना या विपक्षी दल का आरोप लगाना, तो इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बन पाती? देखिए, यही व्यवस्था है। दरअसल समस्या क्या है, मान लीजिए हमने 100 गायें गौशाला में भिजवा दी तो 500 किसान छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम किसान ना छोड़े इसके लिए भी हम नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं। अभी देसी गाय 2-3 लीटर दूध देती है और अब नस्ल सुधार करने के बाद भाई देसी गाय जो बछिया उसकी होगी वो 12 लीटर और 15 लीटर तक दूध देगी, तो पशुपालक उसको नहीं छोड़ेगा। और जो सीमन बछिया ही पैदा हो 300 रुपए का मिलता था, उसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 100 रुपए का कर दिया है। तो हम विभिन्न सुविधाएं दे रहे हैं क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत होता है और किसी परिवार को 1 लीटर दूध ही मिल जाए देसी गाय का तो मानो उसको अमृत मिल गया। तो देसी गाय के दूध की उत्पादनता में वृद्धि करना, गुणवत्ता बही रहेगी और साथ साथ दूध के साथ साथ देसी गाय के गोबर पर भी हम काम कर रहे हैं। एक सवाल मदरसे से जुड़ा हुआ, जो कि अभी इस समय बहुत सारे ऐसे फर्जी मदरसे और बच्चे जो है वो जांच में दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर के कई बार चर्चा हो रही है, इसके लिए सरकार क्या ठोस नीति अपना रही है? देखिए, तो मदरसा शिक्षा को एक अच्छी शिक्षा में, अभी पहले मदरसा शिक्षा में अरबी उर्दू फारसी ही पढ़ाई जाती थी, वो बच्चे मुख्य धारा से नहीं जुड़ते थे। अब हम मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें उर्दू, अरबी, फारसी दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय इन्हें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और दीनी तालीम के साथ साथ जिनकी जो मजहबी प्रार्थना होती है वो तो करें, उसमें हमने कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन हम राष्ट्र गान भी करा रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हमने एक ऐप जारी किया है, मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप, इसके माध्यम से भी अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। सरकार पूरी तरह से अब मदरसों में भी नई शिक्षा लागू करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है और उसके लिए ऐप भी जारी किया है, मंत्री जी ने बताया है। अब आने वाले समय में किस तरह से मदरसे में शिक्षा दी जाएगी जिससे कि नई और उनकी दीनी तालीम की दोनों शिक्षा एक साथ दिया जा सके? वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।